पार्टी की प्रत्याशी किस्मती देवी जंगीपुर सीट से जीत चुकी हैं। आपको बता दें कि दिवंगत कैलाश यादव की पत्नी है किस्मती देवी। कैलाश यादव की मृत्यु के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद जंगीपुर सीट पर उपचुनाव कराया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी ने कैलाश यादव की धर्मपत्नी किस्मती देवी को प्रत्याशी घोषित किया था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमेश उर्फ पप्पू को प्रत्याशी घोषित किया गया था। और लगातार शुरुआत से ही बढ़त बनाती नजर आई थी किस्मती देवी और समाजवादी पार्टी ने आखिरकार इस जीत यहां पर जीत का परचम लहरा दिया। तो आपको बता दें किस्मती देवी की किस्मत खुलती हुई नजर आई और समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर की जंगीपुर सीट पर चुनाव जीत लिया है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, हार का सामना करना पड़ा है। तो लगातार चुनौती बनी हुई थी समाजवादी पार्टी के सामने इस दुर्ग को जीतने की, इस किले को जीतने की, और आखिरकार जीत दर्ज करी किस्मती देवी ने। समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा जंगीपुर सीट पर। तो 2017 के चुनावों से पहले ये दोनों ही उपचुनाव, चाहे वो बिलारी मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा का हो या फिर गाजीपुर की जंगीपुर सीट का, ये दोनों ही सीटें बेहद महत्वपूर्ण थी। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि जंगीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया।